ऐसे शार्क शार्क थोड़ा सा डर जाएगा, अभी थोड़ा सा पानी भी गंदा हो गया है। अच्छा बताओ कि पानी जितना गंदा होता है। खत्म। तो कैसे हो गाइस, आज फाइनली मैच हो गया जहाँ पे फिश का व्लॉग लेके आया हूँ। और गाइस बहुत सारे बंदे कमेंट सेशन में बोल रहे थे, नयन भाई यहाँ पे फिश का व्लॉग बनाओ भाई। तो आज फाइनली फिश का व्लॉग आ चुका है। और गाइस मैं आज मेरे सारे फिशेस का और भाई हमारे सिम्बा जो हमारे एक टर्टल है उनका भी गाइस हम लोग यहाँ पे अपडेट देने वाले। गाइस देखो कितना बड़ा हो गया गाइस हमारा टर्टल, इतना सा था गाइस जब पहले था और अभी देखो गाइस कितना बड़ा हो गया। ये भाई मेरे हाथ में भी पूरा बैठ रहा है, देखो गाइस पूरा हाथ में बैठ रहा है। और इसके नाखून देखो गाइस इतने खतरनाक हो गए, इतना गंदी तरीके से नाखून मारता है ना ये कि भाई क्या ही बोलूं इसके नाखून देखो। अबे भैसे हमारे पास और एक छोटी चीज थी वो भी बड़ी हो गई यहाँ पे। अरे देख सकते हो, अरे तू कितना वीडियो बना रहे हो, क्या कर रहे हैं? हैंड ग्लास ग्लास द स्कॉच आइस फुल भैसा साला, ये अभी तक सुधरा नहीं है गाइस। टैलेंट टैलेंट देखो गाइस, देख बचा था भैसा साला। ग्रीन से गाइस इसका कलर भी चेंज हो रहा है अभी। और इसका जो नाखून है गाइस वो बहुत खतरनाक मारता है साला। ये देखो गाइस कितने खतरनाक नाखून है, देख रहे हो गाइस तुम लोग? ये नाखून बहुत गंदा मार रहा है मेरे को, यहाँ पे हाथों को बहुत गंदा नाखून मारता है। नीचे से गाइस उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी ये सारे फिशेस का मेरे अपडेट देने वाला। और गाइस मेरे पास में एक और बड़ा फिश लिया था मैंने, वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो हमारा फिश शार्क जो है गाइस हम लोगों ने लास्ट टाइम लाया था, देखो गाइस कितना बड़ा हो गया, आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने। देखो भाई कितना खतरनाक, ये जो यहाँ से ना जंप भी करता है गाइस कभी कभी। ये तो आज जो है गाइस हम लोग एक नए फिशेस लेके आने वाले, जो जो गाइस अंकल के पास में अलग अलग तरीके के फिशेस लेके आएंगे। तो चलो गाइस अभी फिलहाल के लिए मेरा ये टैंक भी खाली पड़ा हुआ है इधर वाला, और ये वाला टैंक भी गाइस खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें भी दो चार फिशेस है और दो फिशेस जो है गाइस इसमें से मर गई थी बीच में। तो यहाँ पे अभी मेरे को नए फिशेस भी लाने हैं। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। हाँ गाइस देखो यहाँ पे जो है इसका किसी किसी चीज का जो पैकेट था इसका, ये अफ्रीकन लोग हैं। और गाइस देखो गाइस आपको प्रूफ चाहिए तो ये देखो गाइस साइड में ना मैं फुटेज लगा दूंगा जिम की। गाइस देखो मसाज देता है ये, मसाज आपको फ्री फॉर सिर्फ 2000 रुपीज में मिलेगी। तो आप लोगों को चाहिए तो बताना, कॉन्टेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा इसका। बेकार है भैया मैं तो टूट गया। सो गाइस अभी हम लोग अंकल के शॉप पे आ चुके हैं और गाइस आज हमको बहुत चॉइसेस करने फिशेस के अलग अलग। फिलहाल के लिए गाइस हम लोगों ने यहाँ पे एकदम खतरनाक और यूनिक फिश देखा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को देखो गाइस ये कितना खतरनाक फ्लावर है। गाइस ये बहुत छोटा है लेकिन इसका हेड देखो गाइस, जब ये बड़ा होगा तो इसका हेड देखो कितना बड़ा हो गया होगा भाई साहब। अब इसको जो गाइस हम अंकल खाने के लिए डाल रहे हैं। और वो देखो भाई उधर से भाई आ रहे रशियन भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मछली को पटाते हुए। हाँ मछली को पटाते हुए। तो गाइस इसको जो ऊपर से खाने डाला है लेकिन इसका ध्यान नहीं, डरा हुआ है गाइस वो फिश, तो खाने के लिए आ नहीं रहा है। देखो गाइस कितना बड़ा है गाइस, कितना बड़ा हेड है उसका। इस संकेत से बड़ा दिमाग जो है इसके अंदर है। संकेत को दिमाग नहीं है भाई, गजब बेइज्जती है। अब तो गर्मी है यार, दरअसल लड्डू बिक रहे होंगे आपको। इंडिया से रख ले गए हो क्या आप? इंडिया से ऐसा कुछ नहीं है। मोदी के साथ में रख के रंग ले गए अपने लड्डू? नहीं वो 200 रुपए लेता है अपने लड्डू दोबारा। बर्फ के लड्डू ना वो समझ रहे हो? अरे लाखों में कमा रहे रात रात के, करोड़ करोड़ बोले बर्फ के लड्डू बेचो दरादा बर्फ के। रशिया में तो बर्फ बहुत है भैया। ठीक है सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। सो गाइस फिलहाल के लिए अभी हम लोग सब ये छोड़ते हैं लेकिन आप लोगों को फिशेस दिखाते हैं। तो अंकल हमें बताइए कौन से आपके पास में नए फिशेस आए, इनका नाम क्या है? टाइगर फिश है गाइस, और शार्क भी है। शार्क भी है गाइस, यहाँ पे देखो कितने प्यारे है गाइस, ये देखो भाई कितने प्यारे है, देखो कितने प्यारे इनके ऊपर टाइगर के जैसा ये आता है। एंड ये देखो ये कोई है रेड आई टेट्रा, ये बहुत ये छोटे कितने बड़े होते हैं अंकल? ये कौन सा? ये सर्पी टेट्रा। इतना ही बड़े रहेंगे? नहीं थोड़े और बड़े हैं। ओके थोड़े और बड़े रहेंगे। रेड आई टेट्रा है। रेड आई टेट्रा पिराना है आपके पास? पिराना नहीं है। दिल से बुरा लगता है भाई। इधर वाला ये बिनोस टेट्रा है। ये क्या है? ये एग्रेसिव फिश है ये वाली? नहीं नहीं गोल्ड फिश है। नहीं नहीं पीछे वाली वो किसिंग गोरा में है। किसिंग गोरा में गाइस किस करती है? मस्त किस करती है। तो भाई ये अभिषेक की काम किया। अभिषेक पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। मेरे काम में
सो गाइस यहां पे है सिंगोरा में ये गोल्ड फिश, मतलब उनका क्या होता है अंकल, क्या ऐसे एक दूसरे को कर देंगे किस किस करके फिर अंडे देती है। अच्छा, किस करके अंडे देती है गाइस। एंड ये एक और क्या फ्लावर है, ये मेल है फीमेल है? मेल है, मेल मेल है। ओके, फीमेल के हेड नहीं होता? नहीं। ओके, फीमेल के हेड नहीं होता है गाइस, ध्यान रखो। एंड ये रे गाइस अपने पसंदीदा फिशेस, एंजल फिश है, जब भी आता हूँ मैं ये लेके जाता हूँ। एंड मेरे पास में बहुत सारे फिशेस थे, रेड कैप, और ये उन्हीं के बच्चे देखो सकते हो आप लोग, छोटे बच्चे में। एंड ये भी देखो गाइस, ये है, ये कौन सी फिश है भाई? ये रेड लिली। लिली ये तो ऐसा है ना गुरामी जैसे, वो गुरामी है, वो रेड लिली है। ओके, और ये कोई छोटा। एंड गाइस ये देखो, ये भी एग्रेसिव, ये चिकलेट भाई, ये देखो कैसे आ रहे ऊपर, बहुत एक्टिव है गाइस। ये पर्ल स्केल गोल्ड है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, पर्ल स्केल गोल्ड। हाँ भाई, इसके आंखें देखो गाइस, अलग ही लेवल की है। तो गाइस एक गप्पी भी है, ये भी बड़ी प्यारी है। एंड ये देखो कितनी प्यारी है, ये मोनो एंजल है, इंपोर्टेड एंजल, कितना प्यारा है, मजा आया। एंड अभी गाइस मैं सोच रहा हूँ इसमें से गाइस मैं लू कौन सी फिश लू और क्या लू, तो एल्बिनो टाइगर। ओके, ग्रीन एल्बिनो टाइगर गाइस, ये बहुत छोटे है ये लेकिन बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। गोल्ड फिश, ये भी गोल्ड फिश, गोल्ड नॉर्मल गोल्ड फिश। एंड गाइस ये देखो अभी अंकल के पास की सबसे महंगी फिश यहाँ पे अरवाना, ये देख लो ना, ये देखो अरवाना भी देखो गाइस कितनी प्यारी कलर की लाई है अंकल ने अरवाना भाई साहब, मतलब ये ऐसी लग रही है कि भाई इसके आरपार भी दिख रहा है, इसके आरपार भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है वो आरवाना कांच का बना हुआ। तो अभी देखो और क्या है, हाँ ऑस्कर इनको तो बहुत पसंद है, ये देखो भाई काटने के लिए आते हैं ऑस्कर। संकेत भाई आओ, संकेत भाई आओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई, मेरी उंगलियों से लड्डू के बजाय पानी नहीं डालो, इसको उंगली डालने की बहुत आदत है इसको, वही चीज उसकी बड़ी है बस। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो गाइस फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो। शार्क देखो कितनी बड़ी है भाई साहब, ये इतनी बड़ी शार्क है भाई, देख रहे हो भाई तुम लोग कितनी बड़ी है भाई, ये शार्क अलग ही लेवल भाई साहब। 13 साल पुरानी है ये, 13 साल, 13। सो गाइज ये जो है कलर वीडियो है जिसमें गाइज कलर देखो गाइज कितने तरीके से ब्राइट हो रहे हैं गाइज ये। एंड ये कलर में गाइज ये फिश में से मैं ये लूंगा गाइज, ये फिशेस लूंगा गाइज, कितनी प्यारी अलग अलग कलर की लूंगा गाइज मैं इसमें से। तो गाइज अभी अंकल यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये वाला निकाल रहे हैं, तो गाइज ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो गाइज ये वाले दो ले लिए मैंने, पूरा वाइट एकदम क्लियर वाला वाइट ले गए, देखो ये वाला भी आ गया। चलो गाइज ये आ गया अपने इसके अंदर, इतने खतरनाक तरीके से अंदर है पानी के अंदर। अरे अरे ये बड़े शार्क के साथ रह सकते हैं, बड़े शार्क के साथ में रहेंगे, बड़े शार्क काय के भी छोटे शार्क के साथ में भी रह जाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सो गाइस यहां पे संकेत भाई को यहां पे ये पकड़ने के लिए लाया था, ये देख सकते हो आप लोग, पकड़ने के लिए लाया था, बोले इतना खिला के बड़ा किया है। हाँ इतना खिला के भाई, इतने ये बड़े बड़े हो गए। सो गाइस अभी इसको हम लोग पानी के अंदर डाल रहे हैं, ये वाले कूद ना जाए भाई, चला गया ये पानी के अंदर, देख सकते हो आप लोग। अभी हम लोग दूसरा ले रहे हैं, दूसरा फिश ले रहे हैं, भाई इसमें डालने के बाद बड़ी लग रही है। सो गाइस अभी इनको भी पानी के अंदर डालने वाले हम लोग, गया गया दूसरा वाला भी गया। अरे 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 अरे, तो गाइस ये देखो, ये जो है गाइस दोनों फिशेस कितनी प्यारी लग रही है, और गाइस शार्क थोड़ा सा डर जाएगा अभी, थोड़ा सा पानी भी गंदा हो गया है तो। लेकिन गाइस आपको एक चीज बताऊं कि पानी जितना गंदा होता है, मेरे मुंह में इतना पानी है, मेरे मुंह में इसके भी इतना पानी है, पूरा पानी पानी नीचे भी, नीचे भी पूरा पानी। उसको झटके हो गए क्या शार्क को बीच में? ये भाई ए भाई, बहुत डेंजर सीन हो गया गाइस यहाँ पे भाई, पता नहीं है क्या हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और वैसे भाई एक बार माँ यही चाहिए।